हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर स्मार्ट न्यूज़ चैनल। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही अच्छी खबर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एक नई खबर निकल कर आ चुकी है सामने कि आखिरकार लोकल ट्रेन में आम जनता के लिए 8 जनवरी से जो अनुमति सभी को नहीं मिली वो कब से मिलेगी। जी हाँ, एक नई अपडेट आई जिसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे, तो आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। वीडियो स्टार्ट करता हूँ उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों, अगर चैनल पर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो योर स्मार्ट न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं रेलवे से जुड़ी सभी खबर सबसे पहले। तो सबसे पहले ये कि 1 तारीख से लेकर 8 तारीख तक, यानी 1 जनवरी से 8 जनवरी तक मंत्री जी ने कहा था, विजय वेदित्वर सर ने, और साथ ही श्री उद्धव ठाकरे जी ने भी कहा था कि 1 जनवरी से 8 जनवरी के मध्य सभी के लिए लोकल ट्रेनें खोल दी जाएंगी। बट ऐसा हो नहीं पाया। कुछ लोगों के लिए लोकल ट्रेन खुली, जी हाँ, कुछ लोगों की संख्या बढ़ी। जहाँ 14 लाख 12 लाख लोग सफ़र करते थे, आज ये संख्या 20 से ऊपर पहुँच चुकी है, यानी लगभग 22 लाख से करीब जो है लोग सफ़र कर रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं। यानी कहीं ना कहीं अभी तक आम जनता को राहत पूरी तरह से नहीं मिल पाई, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कोरोना वायरस को लेकर लोगों के मन में अभी भी शंका और डर बना हुआ है। नए स्ट्रेन आने की वजह से मुंबई में लॉकडाउन तो भले ही ना लगा, लेकिन पूरी तरह से लॉकडाउन तो नहीं बढ़ाया गया, लेकिन 31 जनवरी तक के लिए लॉकडाउन को जो है ऑफिशियली अपडेट कर दिया गया है। यानी जो नियम पहले थे, जो जो चीज़ें खोल दी गई थी उन्हें खोला रहेंगे, लेकिन स्कूल कॉलेजेस वगैरह सब कुछ बंद था और उसे बंद ही रखा जाएगा 31 जनवरी तक। लेकिन इसी बीच एक अपडेट आई कि मुंबई विद्यालय यानी मुंबई यूनिवर्सिटी ने कहा कि उनकी ऑफलाइन क्लासेस 11 जनवरी से खुलने वाली हैं। 11 जनवरी से खुलने के बाद उन्हें लोकल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, क्योंकि बच्चे जो हैं अलग अलग क्षेत्र से आते हैं, अलग अलग जगहों से आते हैं, और मुंबई यूनिवर्सिटी में आने के लिए उन्हें लोकल के सिवा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पर आम जनता को एक अच्छी राहत ये मिलेगी कि 11 जनवरी तक कम से कम, जी हाँ, कम से कम 11 जनवरी तक जो है सभी के लिए लोकल ट्रेनें खोल दी जाएंगी। और इसकी जो जानकारी है वो सूत्रों के अनुसार मिल रहा है कि 8 जनवरी तक ही खुलना था, लेकिन किसी कारणवश 8 जनवरी से जो है कोरोना वायरस की जो है ड्राई वैक्सीन चली गई थी, ड्राई, जिसकी वजह से आज लोकल ट्रेन नहीं खोली गई। और इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि वैक्सीनेशन का काम तेज़ी से चल रहा है, और वैक्सीनेशन काम जैसे ही तेज़ी से कंप्लीट होगा वैसे ही आम जनता को लोकल में धीरे धीरे सफ़र करने की अनुमति मिल जाएगी। यानी आज से 2 से 3 दिन के भीतर आपको नोटिस मिल जाएगी 11 जनवरी से पहले कि आप कितने बजे से कितने बजे तक सफ़र कर सकेंगे और कौन कौन से लोग यात्रा करने के लिए जो है परमिशन पा जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा।